नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। टॉप 10 के खबरों का सफर शुरू हो चुका है, तो आइए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं 10 बड़ी खबरों का सफर। पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भ्रष्टाचार में लिप्त पटना सिविल कोर्ट के 16 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सभी कर्मचारी घूस लेने के आरोपी थे। एक्साइज के स्पेशल कोर्ट में पेशकारों और अन्य कर्मियों का अभियुक्तों के साथ लेन देन के कारण पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने अंततः सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कैश फॉर जस्टिस के नाम से यह मामला काफी चर्चित हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी हाईकमान से बिहार प्रभार जैसे बड़े कार्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया था। उनके अनुरोध को मान लिया गया है और भक्त चरण दास को बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। खुद सोनिया गांधी ने भक्त चरण दास की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भक्त चरण दास मणिपुर और मिजोरम के प्रभारी हैं। शक्ति सिंह गोहिल को बिहार प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी दिल्ली के प्रभारी बने रहेंगे। दरअसल मंगलवार को ही गुजरात से राज्यसभा सांसद से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा था कि निजी कारणों से मैंने अपनी पार्टी के आलाकमान से अनुरोध किया है कि अगले कुछ महीनों के लिए मुझे हल्के काम आवंटित किए जाएं और बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए। मंगलवार को राजधानी पटना में सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 9 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। जानकारी के अनुसार नए साल पर नीतीश कुमार सरकार ने कॉमर्शियल वाहनों और वाहन मालिकों को राहत दिया है। अब उन्हें लॉकडाउन अवधि का रोड टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा बाल हृदय योजना के तहत जाँच और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को मुफ्त में इलाज मिलेगा, हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का भी फ्री में इलाज होगा। साथ ही बिहार पुलिस की तर्ज पर होमगार्ड के जवानों को ग्रेड पे मिलेगा। वहीं जमीनों के विशेष सर्वेक्षण में लगे संविदा कर्मियों के वेतन के लिए 168 करोड़ स्वीकृति की गई है। आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल में 26 पदों का भी सृजन किया गया है। इधर तेजस्वी की धन्यवाद यात्रा निकाले जाने को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को धन्यवाद यात्रा नहीं बल्कि माफीनामा यात्रा निकालना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव के धन्यवाद यात्रा को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता सुहेली मेहता ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि धन्यवाद यात्रा क्या निकालेंगे, इनको माफी यात्रा निकालनी चाहिए। ऐसे माफी ये चुनाव के पहले भी मांग रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इनके शासनकाल को देख चुकी है। इसलिए जनता ने एनडीए को बहुमत फिर से दिया है और बिहार में एनडीए की सरकार है। अब यह धन्यवाद यात्रा के रूप में जाकर जगह जगह माफी मांगेंगे, लेकिन जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। जिस तरह आरजेडी ने अपने शासन काल में काम किया था उसको जनता भूली नहीं है, इसलिए यात्रा निकालने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर जल जीवन हरियाली अभियान का असर बिहार में दिखना शुरू हो गया है। अगले 1 से 1.5 साल में राज्य की तस्वीर बदलेगी, तो इसका व्यापक असर भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बात जल जीवन हरियाली दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही और ये भी कहा कि हर माह के पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा, जिसके जरिए अभियान के तहत हो रहे कामों की समीक्षा भी होगी। दरअसल जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने की थी। इसके बाद 2020 की जनवरी में अभियान को लेकर मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी, जिसने इससे पहली बार सारी मानव श्रृंखलाओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके बाद सरकार ने 15 विभागों के जरिए अभियान के कामों को अंजाम देना शुरू किया। 3 साल के अभियान के इस साल को 2 साल पूरे हो जाएंगे। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने, तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अब खुद मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना खत्म होने के बाद इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग इसमें आते हैं, इसलिए अभी जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसे फिर से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाने के फैसले की जानकारी पत्रकारों से बात करते हुए दी। दरअसल वो जल जीवन हरियाली दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अधिवेशन भवन आए थे, वहीं पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। बिहार में कांग्रेस के सामने टूट का खतरा मंडराने लगा है। कई विधायक कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है। इसको लेकर कांग्रेस नेता भरत सिंह ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस के 11 विधायक ने दल छोड़ने का मन बना लिया है।
ये वही विधायक हैं जो पैसे के बल पर टिकट हासिल किए थे। टूट के लिए संख्या बल जुटाने के कारण विलंब हो रहा है। वहीं भरत सिंह ने यह भी कहा है कि वह आलाकमान से अपील करते हैं कि वो पार्टी को टूटने से बचाएं। इधर कांग्रेस प्रवक्ता हरखू झा ने कहा है कि पार्टी में टूट की ये जो बात है वो पूरी तरह से भ्रामक है। कांग्रेस के सभी 19 विधायक एकजुट हैं। इधर कांग्रेस में टूट को लेकर आ रही खबरों का सत्ता पक्ष ने भी निशाना साधा है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि चुनाव में बिहार की जनता ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी है। अब पार्टी के नेताओं को भी वास्तविक स्थिति का एहसास हो रहा है। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि महागठबंधन के कई विधायक इस तरफ आना चाहते हैं। अगली खबर रांची से है। सोमवार को किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला मामले को लेकर झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि घटना की जानकारी मुझे बाद में पता चली। उन्होंने कहा कि मुझे रास्ते बताने के लिए कई लोग होते हैं, जैसे वो ले गए वैसे मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसकी जानकारी मिली। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि लोग घात लगाकर मेरे इंतजार में बैठे थे और जब उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया तब उपद्रव करने के कार्यों में लग गए। अगर इस तरह की हरकतें हैं तो प्रशासन पूरी गंभीरता से इसको लेगा और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर कैमूर से है। निगरानी विभाग के डीएसपी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम कैमूर पहुंची। जानकारी के मुताबिक जिले के चेक पोस्ट पर तैनात उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर निरंजन कुमार के प्राइवेट आवास मोहनिया और उनके पटना के 2 आवास पर भी छापा पड़ा। जानकारी देते हुए निगरानी के डीएसपी ने बताया कि अधिक संपत्ति के विरुद्ध निगरानी ने डीएम में केस इनके विरुद्ध दर्ज किया है। उसी को लेकर मोहनिया और पटना में किराए के मकान की तलाशी ली गई है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर निरंजन कुमार ने बताया कि मेरे तरफ से टीम को लगातार सहयोग किया जा रहा है, पर निगरानी किस कारण छापेमारी कर रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। निरंजन कुमार के विरुद्ध में निगरानी में डीए का एक केस दर्ज है। उसी उपलक्ष्य में इनके किराए के मकान की तलाशी ली गई। किराए के मकान में कोई चल संपत्ति, मूल्यवान संपत्ति नहीं पाई गई। और कहाँ कहाँ सर्च चल रहा है? पटना में 2 जगह सर्च चल रहा है। अभी जो जानकारी है वो हमें उपलब्ध नहीं है कि किस चीज़ के लिए आए हैं, लेकिन जो चेक इन किया उसमें हम पूरा कोऑपरेट किए। जैसे ही हमको ये लोग फोन से बताए हम तुरंत वापस भागते हुए आए 5 मिनट के अंदर में। किस विभाग के लोग थे, क्या बता रहे थे? जांच दल के थे। अभी पूरा हमें जानकारी नहीं, पेपर मिलेगा तो हम जान जाएंगे। मतलब आपने उनसे पर्ची जाना नहीं चाहा कि किस चीज के लोग हैं? अचानक आपका कुंडी तोड़ करके जिस तरह से सर्च विजिलेंस बताए लोग विजिलेंस बताए हाँ बताए जांच कर रहे थे। अब ये हमको पूरा जानकारी अभी नहीं है सर। अगली खबर आरा से है। भोजपुर जिला आजकल अपराधियों के लिए सेफ जोन माना जा रहा है। अपराधी घटनाओं को अंजाम देने के बाद बड़े ही आराम से फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलते नजर आती है। ताजा मामला कोइलवर थाना क्षेत्र के सकड़ी मोड़ का है, जहां जमीन कारोबार के लिए पैसा ले जा रहे एक युवक के कार में रखे 15 लाख रुपये को बाइक सवार अपराधियों ने कार का शीशा तोड़कर निकाल लिया और हथियार लहराते हुए बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। युवक पंजाब नेशनल बैंक से 15 लाख रुपये निकालकर आरा के बड़हरा जा रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बैंक से भाई लोग से ये पैसा निकाल के आ रहे थे, इसी बीच में ये घटना हो गया। बस यहाँ उतरे हैं वो लोग चाय पीने के लिए, बस इतने देर में वो लोग तोड़ ताड़ के निकाल लिया। आपकी गाड़ी में कितनी पैसे आती है? 15 लाख रुपये पैसा जमीन के लिए देना था। हाँ, जमीन खरीद बिक्री के लिए पैसा लेकर के आ रहा था। कहाँ से लेकर आ रहे थे? ये कोइलवर PNB बैंक से। कहाँ जाना था? ये आरा धरारा। कैसे चोरी हुए? कुछ सकड्डी के पास ही लोग मना चाय पीने के लिए नीचे उतरे, होटल के तरफ गए, होटल तरफ पहुँच गए। तब तक जो है इसी दरमियान में कोई आया पल्सर से शीशा तोड़ करके ले गए। कितना पैसा ले गया? 15 लाख रुपये था। अगली खबर भी आरा से है। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड स्थित उत्तरी छोर पर गंगा नदी का कटाव पिछले कई महीनों से लगातार जारी है। कटाव के कारण गंगा के किनारे बसे काफी लोग सकते में आ गए हैं। इस क्षेत्र के लोगों का जीविकोपार्जन सालों से केवल खेती रहा है, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के कारण किसानों की रैयती जमीन धीरे धीरे गंगा की भेंट चढ़ रही है। किसानों ने खेती का दर्द तो सह लिया, लेकिन अब गंगा नदी के किनारे लगातार कटाव के कारण अब इनका आसियाना भी गंगा में समाहित होने के कगार पर है।
हालात ऐसे हैं कि बरसों से इस जमीन पर रहने वाले लोग पलायन करने का मन बना रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इस क्षेत्र में कटाव रोकथाम के लिए ठेकेदार तथा पदाधिकारी आते तो हैं, लेकिन वे जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था करने के बजाय केवल खानापूर्ति करके चले जाते हैं। हालांकि इस बाबत भोजपुर जिलाधिकारी ने बाढ़ नियंत्रण विभाग के इंजीनियर को गंगा किनारे कटाव के रोकथाम के लिए निर्देशित किया है। सर, गंगा का मोड़ करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ दो थी बरजा से और आगे में दो मुँह है, जिसमें जो मेन मुँह है वो बंद हो चुका है। जब तक वो नहीं खुलेगा तब तक ले कटाव रुकने का कोई संभावना नहीं है। बरजा के आगे दो मुँह है? हाँ जी। अच्छा, दो तरफ गंगा चली गई है? चली गई है, जिसमें एक बंद हो चुका है, एक यही खुला है। जितना भी पानी होता है इसी रास्ते से आ रहा है। दबाव बढ़ता है? दबाव बढ़ रहा है। अच्छा, दबाव बढ़ने के कारण यहाँ कटाव हो रहा है। अब तो देखते ही है, पूरा कटाव है, घर सामने पड़ा हुआ है, पूरा खेती बाड़ी चला गया हम लोग का। कितने एकड़ जमीन आप लोग का लगभग? हम लोग का तो 4 एकड़ जमीन है। आपका 4 एकड़ है। और गांव की बात करें तो? गांव को तो हजारों हजार पूरा दिया है, सब चला गया। प्रशासन और सरकार से क्या मदद मिल रही है? अब जो सामने ही है देखते ही है, जो सामने कर रहा है प्रशासन सरकार। नहीं, आप अपने बताइए। कोई सुविधा नहीं है लोग के लिए। देखिए, गंगा का कटाव होने के बाद समझ प्राप्त हुई है बढ़हरा क्षेत्र में, उसके लिए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के जो कार्यपालक अभियंता हैं वो साइट विजिट पे भी उन्होंने किया है। पूर्व में भी इस तरह की एक बात हुई थी, तो उसको हम लोगों ने कटाव निरोधी कार्य इमीडिएटली कराया था। इसके संदर्भ में भी उनसे रिपोर्ट ली जा रही है, और अगर अति आवश्यक होगा तो उसको इमरजेंसी मद से, अन्यथा योजना बना के हम लोग राज्य सरकार से स्वीकृत कराते हुए कटाव निरोधी कार्य कराएंगे। टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर से होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए HDF न्यूज। नमस्कार। क्या है आपके मोहल्ले का हाल? विकास ने कितनी बदली तस्वीर साल दर साल? आपसे सीधे जानेंगे आपके मोहल्ले का हाल। मैं हूं रवि, आ रहा हूं आपके मोहल्ले में सीधे करने आपसे बात। अगर आपके भी मोहल्ले में है कोई बात तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यह है मेरा मोहल्ला रवि मिश्रा के साथ।